हेलो गाइस, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका किस तरीके से हम आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं और किस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं विदाउट द एज्यूमिंग यूनिट कंसंट्रेशन। मतलब यूनिट कंसंट्रेशन को बिना एज्यूम किए हम किस तरीके से इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपनी पिछली क्लास का। तब हमने पिछली क्लासों में आपका बात की कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया और उसके बेस पर हमने ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल आपका कैलकुलेट किया। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से आसानी के साथ आपका कैलकुलेट कर ले रहे थे और साथ में जो आपका सेल पोटेंशियल है उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। अब कंडीशन ये आती है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सेल पोटेंशियल है, जैसा कि हमने अभी तक जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की तो वहाँ पे हमने जो कंसंट्रेशन आपका रखा वो हमने यूनिट कंसंट्रेशन लिया। चूँकि जो आपका सेल पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यानी जब हमने यूनिट कंसंट्रेशन लिया था तो उस केस में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड की थी और उसी के साथ हमने जो सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी। लेकिन अगर आपका हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, तो कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका अदर देन यूनिट कंसंट्रेशन, यूनिट कंसंट्रेशन के अलावा अन्य कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इक्वेशन है जिसको हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। आइए ये नस्ट इक्वेशन कैसे काम करती है इसको हम इस पर आपका बात करते हैं। तो अब हमने बात की कि लेट अस कंसीडर, हमने कोई आपका एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन आपका रिएक्शन ली, एक इलेक्ट्रोड पर आपकी जो रिएक्शन होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो हमने एक इक्वेशन आपका कंसीडर की दैट लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन एम प्लस एन गेन वन इलेक्ट्रॉन चेंज टू एन। ये आपका एम आपका चेंज हो गई, दैट इज सॉलिड, दिस इज एक्वस एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इसने आपका गेन किया और ये आपका एम सॉलिड में आपका चेंज हो गई। ये हमने एक इक्वेशन आपका कंसीडर की है। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं और वो जो कैलकुलेशन होता है वो होता है आपका नस्ट इक्वेशन के द्वारा। देन द रिएक्शन फॉर दिस ई एम एन एम इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन एम माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन एम ओवर एम प्लस एन, दैट इज एक्टिव मास ऑफ एम एंड एक्टिव मास ऑफ एम प्लस एन आई एन, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एम इज टेकन टू वन, इसका जो सॉलिड में जो कंसंट्रेशन है उसको हम एक कंसिडर कर लेते हैं, वन मान लेते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ इक्वेशंस, जो आपकी रेस्ट इक्वेशन होगी, वी कैन राइट दिस एम एन इज इक्वल टू ई नॉट एम प्लस एन ऑब्लिक एम माइनस आर टी एन एफ एल एन वन बाई
एम प्लस एन। तो इस तरीके से हमारी जो ये इक्वेशन आती है एक इलेक्ट्रोड के लिए, आप यहाँ से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका किसी भी कंसंट्रेशन पर आपका कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, आपका यहाँ से मेजरमेंट आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जब आपकी कैलकुलेशन की बात आती है, तो कैलकुलेशन की बात में हम इसको आपका कॉमन लॉग लॉग की बेस के फॉर्म में हम इसको आपका ले लेते हैं, जहाँ पे जो वैल्यूज़ है आर इज़ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट विच वैल्यू कम टू 8.314 जूल पर किलो जूल केल्विन पर मोल, पर मोल हम लेते हैं। इसी तरीके से हम टी 298 केल्विन मान लेते हैं और एफ आपका 96487 कूलाम पर मोल हम लेते हैं। तो हमने उसके बाद इक्वेशन लेगी, उसको कॉमन लॉग के टर्म्स में ले लिया, कॉमन लॉग के टर्म्स में हमने उसकी बेस ली और आपका जो इक्वेशन है वो हमारे सामने है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 1 अपॉन एम एन के टर्म्स में हमने उसको ले लिया। जब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आर टी और एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई आसानी के साथ। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी जो आपका ई सेल है, ई सेल की वैल्यू हम किस तरीके से आपका कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो आपका सेल पोटेंशियल है, जब हम ई सेल की वैल्यू आपका निकालते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट, दैट इज़ ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसकी हम जनरली आपका चर्चा करते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, लेट अस अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, हमने एक गैल्वेनिक सेल आपका रिएक्शन आपकी ले ली। तो जब हम गैल्वेनिक सेल रिएक्शन लेंगे तो हमारे पास आपका ये है कि जेड एन दैट इज सॉलिड प्लस सी यू प्लस टू एक्वस दैट चेंज इन टू जेड एन प्लस टू एक्वस प्लस सी यू सॉलिड। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस जेड एन एस चेंज जेड एन प्लस टू एक्वस दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड सी यू प्लस टू एक्वस चेंज टू सी यू, इसको हम इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका दो आपके रिएक्शन है एंड हाफ सेल रिएक्शन। अगर आप हाफ सेल रिएक्शन की यहाँ पर बात करें तो हाफ सेल रिएक्शन जो हमारी होंगी यहाँ पे, वो आपका दो हाफ सेल रिएक्शन आ जाएंगी। एक आ जाएगा आपका जेड एन एस चेंज टू जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन, ये फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन है, फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एंड सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन इज, जो सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन होगी दैट इज सी यू प्लस टू गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन चेंज टू कॉपर सॉलिड। तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। अब नाउ वी हैव टेकन अकॉर्डिंग नेक्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम दोनों हाफ सेल के लिए जब आपका वैल्यू लेते हैं, तो पहला जो हमारा केस है वो हमने इस तरीके से लिया, ई सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू माइनस दैट वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड एन आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन अपॉन सी यू प्लस टू दैट इज एक्टिव मास ऑफ दिस, दिस इज इक्वेशन
फर्स्ट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एंड सेम सिचुएशन फॉर हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल Zn प्लस टू, Zn इज इक्वल टू ई नॉट Zn प्लस टू, Zn माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन अपॉन Zn प्लस टू दिस। अब हमें यहाँ पर आपका ई सेल आपका कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने यहाँ पर पहले देखा था कि ई सेल आपका हमेशा क्या होती है, राइट माइनस लेफ्ट। सिंपली हियर दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट हाफ सेल, ये आपका राइट हाफ सेल है और ये आपका लेफ्ट हाफ सेल है। तो हम इसमें से आपका इसको कैंसिल करेंगे, यानी जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है उससे आपका इक्वेशन सेकंड को आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी ई सेल आपकी निकल आएगी। तो ई सेल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई नॉट सी यू प्लस टू ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑब्लिक जेड एन, ये हमने यहाँ से ले लिया। एंड फ्रॉम दिस, यहाँ से जब हम इसको आपका लेते हैं तो उसके केस में आपका आर टी अपॉन एन एफ दिस इज कॉमन, ये आपका दोनों में आपका कॉमन है, आर टी अपॉन एन एफ दोनों में हमने कॉमन ले लिया। ये आपका जो आएगा एल एन वन अपॉन सी यू प्लस टू माइनस वन अपॉन एल एन वन अपॉन जेड एन प्लस टू एक्वस सॉल्यूशन दैट इज एक्टिव मास, ये दोनों का आपका एक्टिव मास है। तो इसके केस में दिस वैल्यूज, ये जो वैल्यूज़ है ये आपकी आ जाती है ई नॉट सेल, ये आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ इज हियर एंड टेकिंग एल एन हमने कॉमन ले लिया, तो आपका जो माइनस का है वो आपका नीचे आ जाएगा और प्लस का आपका ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा जेड एन प्लस टू ओवर, इसको आप ऐसे ले सकते हैं जेड एन प्लस टू एक्टिव मास ऑफ जेड एन प्लस टू एंड एक्टिव मास ऑफ सी यू प्लस टू सी यू प्लस टू। तो ये आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ईएमएफ आपका आ गया, ये वैल्यू आपकी ईएमएफ की यहाँ पे आ जाती है। टेकिंग कॉमन लॉगरिथम, इसका हम आपका कॉमन लॉगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन लॉगरिथम एंड पुटिंग द होल वैल्यू, और उसमें आपका जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट करते हैं, तो उस केस में आपका हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी एन इज हियर टू इलेक्ट्रॉन एंड दो इलेक्ट्रॉन हमने रख लिए एफ एल एन जेड एन प्लस टू एक्टिव मास ऑफ जेड एन प्लस टू एक्टिव मास ऑफ सी यू प्लस टू। टेकिंग कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम हमने लिया तो ई सेल इक्वल टू हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस बेस आ गई 2.303 अपॉन 2f आर टी लॉग 10 जेड एन प्लस टू ओवर सी यू प्लस टू, इज इट क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर वैल्यू वी हैव टेकन 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड एफ वैल्यू वी हैव टेकन, एफ इज़ फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलाम पर मोल, इसको हम लेते हैं कूलाम पर मोल एंड टी इज 298 केल्विन टेम्परेचर वी हैव टेकन 298 केल्विन, देन द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log Zn plus 2 upon Cu plus 2 active mass of Cu plus 2. This is the NAST equation for galvanic cell.
तो यहाँ से हमने आपका जो सेल पोटेंशियल है या ईएमएफ है ये हमने आपका निकाल लिया। तो इसमें एक चीज़ हमने देखी कि यहाँ पे जो मेटल थे, कंसिस्टिंग मेटल थे, उनकी आपका जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वैलेंसीज हैं दोनों इलेक्ट्रोडों की, बोथ आर सेम, जेड एन चेंज टू जेड एन प्लस टू एंड सी यू चेंज टू सी यू प्लस टू। जेड एन आपका जेड एन प्लस टू में चेंज हो रहा है और सी यू आपका सी यू प्लस टू में चेंज हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका टू इलेक्ट्रॉन्स आपके चेंज हुए हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टेकन व्हेन द वैलेंसीज ऑफ मेटल कंस्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट। अगर दोनों की आपका जो वैल्यूज होती हैं वो अगर आपकी चेंज होती हैं तो तब हम क्या करेंगे, इसको हम जरा देखते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन। वी हैव टेकिंग एन आई चेंज इन टू एन आई प्लस टू एंड टू इलेक्ट्रॉन लॉसेस, दो इलेक्ट्रॉन आपका ये लॉस करता है। और सेकंड केसेस में दैट इज सॉलिड, सेकंड केसेस में सिल्वर एजी प्लस गेन वन इलेक्ट्रॉन, एक्वस गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन टू एजी सॉलिड। तब उसके केस में हम किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आपका कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो जनरल जो हमने रिएक्शन देखी, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन आपके ये लॉस होंगे तो टू इलेक्ट्रॉन ही आपके गेन होने चाहिए। तो वी हैव मल्टीप्लाई विद टू, इसको हम दूसरे इक्वेशन को आपका टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। एन आई सॉलिड प्लस ए जी प्लस दैट टू, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्वस एंड चेंज टू एन आई प्लस टू प्लस टू ए जी सॉलिड, ये आपकी आ गई। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि अब ये आपका बैलेंस है। अब इसके केस में हम किस तरीके से आपका ई सेल की वैल्यू आपका कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ पर हम इसको आपका कॉमन सेंस में इस टाइप से देखें कि एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इसके टर्म्स में हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपकी आ जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एट 298 केल्विन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ एन आई प्लस टू अपॉन ए जी प्लस दैट रेज्ड टू पावर टू। जो स्टाइशियोमेट्रिक वैल्यू है वो आपका पावर में आपकी रेज हो जाएगी, यानी जो सिल्वर का जो आयन का जो कंसंट्रेशन होगा उसकी हम पावर टू रखेंगे। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी डिजिट, अगर आप किसी भी डिजिट से आप हाफ सेल रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आपका ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है। ई नॉट सेल की वैल्यू वही रहेगी और जो आपका कंसंट्रेशन टर्म्स है वो आपका केवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से आपका इसकी जो वैल्यूज़ है कैलकुलेट कर सकते हैं। एन की जगह आप टू वैल्यू रख सकते हैं, दिया इज टू इलेक्ट्रॉन। फॉर जनरल रिएक्शन, अगर आपका जनरल रिएक्शन की हम बात करें, फॉर जनरल रिएक्शन, तो जनरल रिएक्शन के केस में जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है, लेट अस कंसीडर रिएक्शन ए ए प्लस बी बी टू गिवन सी सी प्लस डी डी, सी सी प्लस डी डी, ये हमारी एक जनरल रिएक्शन है। तो उसके केस में जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, दैट नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस कॉमन लॉग के ही टर्म्स में ले लिया हूँ मैं, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ द पावर सी डी अपॉन
ए बी दैट इज वी सिंपली कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चेंट. ये आपका रिएक्शन क्वेश्चेंट कहलाता है. एंड वी कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन क्वेश्चेंट दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग रिएक्शन क्वेश्चेंट. क्यू इज हेयर रिएक्शन क्वेश्चेंट. जो क्यू है क्यू इज वी कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चन. रिएक्शन क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम नेस्ट इक्वेशन को आपका कैलकुलेट करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म नेस्ट इक्वेशन. तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम समझना बहुत आवश्यक है. तो इक्विलिब्रियम क्या है कि जब आपका दोनों रिएक्शंस आपकी दो हाफ सेल से हमने बात की है कि आपका कोई भी डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनती है. तो जब दोनों आपके जो रिएक्शन है दोनों में आपका स्टॉप हो जाती है यानी आपका एक दूसरे में आपका चेंज हो जाते हैं तो वो कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम की कहलाती है यानी साम्यावस्था की कहलाती है. तो जैसा कि हमने रिएक्शन आपके लिए Zn प्लस Cu प्लस 2 एक्वस दैट चेंज इन टू Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड. तो नाउ हियर वी सी व्हेन द दिस पासिंग इस रिएक्शन की हम बात करें तो समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका समय चेंज होगा तो जेड एन प्लस टू का जो कंसंट्रेशन है दैट मस्ट इंक्रीजेस एंड सेम टाइम द कॉपर आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. कॉपर आयन का कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो इन दोनों की जो रिएक्शन है वो आपका जो सेल पोटेंशियल हमने लिया था जो वोल्टा मीटर हमने लिया था उसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी और जो करंट है वो फॉलो होना बंद हो जाएगा. तो उस केस में ई नॉट सेल मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. जो आपका सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपकी ई सेल की वैल्यूज आपकी ज़ीरो हो जाएगी. तो फ्रॉम द नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2 एफ लॉग जेड एन प्लस 2 ओवर सी यू प्लस 2. तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे आपका जेड एन प्लस 2 की वैल्यू बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी और सी यू प्लस 2 की वैल्यू बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू आपका इंक्रीज कर जाएगी. तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि लगातार आपका जेड एन प्लस 2 की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है. तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जेड एन प्लस 2 की वैल्यू आपकी काफ़ी अधिक हो जाएगी और सी यू प्लस 2 की आपकी काफ़ी कम हो जाएगी. तो आपका जो ई सेल की वैल्यू है वो आपका जीरो पे आपका रीच हो जाएगी. तो ई सेल की वैल्यू जब जीरो आएगी तो दैट कंडीशन इज अटेंड टू एन इक्विलिब्रियम. ये आपका एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपका अटेंड कर देगा. इन दिस सिचुएशंस द रेशियो ऑफ जेड एन प्लस 2 एंड सी यू प्लस 2 आयन्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड वी आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. तो उसको हम इक्विलिब्रियम आपका कॉन्स्टेंट कहेंगे. तो चूंकि ई सेल की वैल्यू आपकी जीरो है और ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2 एफ लॉग एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ जेड एन प्लस 2 एंड सी यू प्लस 2 आयन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड वी रिप्रेजेंट विद के सी. इसको आपका के सी के साथ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो उसके केस में आपका हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303
आर टी अपॉन टू एफ लॉग के सी। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को आपका कैलकुलेट कर सकते हो। इसको जब आप एट 298 केल्विन पर अगर आप लेते हैं, तो 298 केल्विन पर लेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो आपकी आ जाएगी 0.059। आर की वैल्यू हमने 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ली। एफ की वैल्यू आपका 96,500 कूल पर मोल कूलाम ली। एंड दिस वैल्यूज इज कम टू लॉग के सी। इसको आप इस टाइप से आपका ले सकते हैं। अब देखिए जो गैल्वेनिक सेल की बात है, तो गैल्वेनिक सेल में हमने देखा कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी थी, ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी आई थी आपका 1.1 वोल्ट आपकी आई थी, 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.059 अपॉन टू लॉग के सी। ये आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग के सी के टर्म्स में। तो इसको हम अगर आपका कैलकुलेट करते हैं तो आपका लॉग के सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.1 इंटू टू अपॉन 0.059। आफ्टर ऑल कैलकुलेटिंग ये आपका लॉग के सी की वैल्यू आई, और इसका जो वैल्यूज़ आती है वो आती है 37.28। के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.28। इसका जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो दिस वैल्यूज कम अराइज टू इंटू 10^37 एट 298 केल्विन। तो इस तरीके से आप के सी की वैल्यू आपका निकाल सकते हैं। बट इन जनरल अगर आप इन जनरल आपकी बात करें तो के सी इज सिंपली वी हैव कैलकुलेट एंटी लॉग ई नॉट शेल इंटू एन अपॉन 0.059। तो इससे आप किसी भी रिएक्शन में आप वैल्यू रख के आप के सी की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपका कैलकुलेट की जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनके बीच आपका क्या रिलेशन है। तो या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड द ई नॉट शेल, उसकी हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि चूँकि गैल्वेनिक सेल में आपका करंट पास हो रहा है, तो करंट पास होगा तो कोई आपका वर्क डन होगा। तो दिस वर्क डन, जो ये वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल टू एन एफ ई, यानी पर यूनिट समय में एक सेकंड में दैट नंबर ऑफ चार्जेस पास टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जितना आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ई इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड एन एफ इज द चार्ज पास्ड इन यूनिट टाइम। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये तो आपका वर्क डन हुआ, ये तो हमें जो वर्क डन मिला है वो है, लेकिन हम कंडीशन ये मानते हैं कि जब आपको मैक्सिमम वर्क डन लेना होता है तो मैक्सिमम वर्क डन आपका जब रिवर्सिबल होती है रिएक्शन तो आपका मैक्सिमम वर्क डन आपको प्राप्त होता है। एंड फ्रॉम द थर्मोडाइनेमिक रिलेशन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, दैट डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो आपका रिएक्शन आएगी पर यूनिट सेकंड में, तो गिब्स फ्री एनर्जी इज वी कैन राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल इज हियर सेल पोटेंशियल, एफ इज फैराडे कांस्टेंट एंड एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने ये माना कि जेड एन
फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन जेड एन सी यू प्लस टू एक्वस चेंज टू जेड एन प्लस टू एक्वस सी यू। ये हमारी एक गैल्वेनिक सेल की आपकी इक्वेशन थी। फॉर दिस सेल डेल्टा जी दैट इज रिएक्शन ऑफ जो आपका अभिक्रिया की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज हेयर टू देन माइनस टू एफ ई सेल। तो आप इतना इसको ले सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को आपका टू से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हमने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में आपका जो डेल्टा आर जी की वैल्यू आ जाएगी वो टू की जगह आपका फोर एफ ई सेल आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू आपका कैलकुलेट करते हैं। अब लेकिन यदि हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन टेकन यूनिटी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर आप इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ई सेल है यानी जो सेल पोटेंशियल है ईएमएफ है तो वो आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा। तो देन दिस सिचुएशन डेल्टा आर जी नॉट वी हैव टेकन एंड माइनस एन एफ ई नॉट शेल, ये आपका इक्वेशंस आपकी आ जाती है। ये आपका इन दोनों के बीच आपका रिलेशनशिप होता है। अब देखो अभी हमने बात की थी आपका थर्मोडाइनेमिक रिलेशन के लिए। तो हमारे पास आपका एक थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटी है डेल्टा जी आर, और उसको आप इसके टर्म्स में आपका दे सकते हैं डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, दैट इज़ के इज के इक्विलिब्रियम हियर। ये आपका के इक्विलिब्रियम आप लेते हैं या के सी आप इसको लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आपका दोनों वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर दें, इक्वेट कर दें तो आर टी एल एन के सी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल, तो वही वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर आपको के सी की वैल्यू दी है तो आप इस थर्मोडाइनमिक रिलेशन से आपका गिब्स फ्री एनर्जी आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका ई नॉट सेल और के सी के बीच में आपका जो हमने पहले आपका रिलेशन आपका ड्राइव किया था इक्वेट बोथ इक्वेशन, अगर हम ये दोनों इक्वेशन को आपका इक्वेट कर दें तो उस केस में आपका आ जाएगा आर टी एल एन के सी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल एंड एल एन के सी इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी। तो यहाँ से भी आप इसको वैल्यू आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वी हैव टेकन नेगेटिव साइन एल एन के सी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एन एफ ई नॉट सेल एन एफ ई नॉट सेल। तो ये आपका जो पुराना जो रिलेशन है वो भी आपका यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, के सी का रिलेशन यहाँ से भी आपका निकाला जा सकता है। धन्यवाद।